का खेल चल रहा है। लेकिन आप भारत समाचार देखते रहिए, ये खेल हम खेलने नहीं देंगे किसी को, चाहे वो शासन हो या प्रशासन हो। इन बच्चों की मदद के लिए सरकार ने जिलों से एक ब्यौरा तलब किया था कि कितने बच्चे अनाथ हुए, लेकिन जिले के अफसर जमीनी डेटा के बजाय फर्जीवाड़े में जुट गए हैं, क्योंकि उनका तो यही काम है, कोरोना काल में यही कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए जो सरकारी सिस्टम की पोल खोल रही है। पहले कोरोना की मार, फिर अस्पतालों की अनदेखी और अब आंकड़ों का गड़बड़ झाला। कोरोना ने ना जाने कितने मासूमों के सिर से माता पिता का साया छीन लिया, कितनों की जिंदगी तबाह कर दी और अब फाइलों में हकीकत को छुपाया जा रहा है। दरअसल अनाथ बच्चों की मदद के लिए सरकार ने जिलों से ब्यौरा तलब किया, लेकिन अब इसमें भी फर्जीवाड़े का खेल शुरू हो गया है। मेरठ के शांतिनगर की प्राइमरी शिक्षिका शालिनी जैन को ड्यूटी के दौरान कोरोना हुआ था और फिर 3 मई को जिला अस्पताल में उनकी मौत हो गई। शालिनी अपने पति से अलगाव के बाद अपनी 7 साल की बेटी की सिंगल पेरेंट थी। अनाथ हुई बेटी अब अपनी मौसी के साथ रहती है। सरकार ने जिला प्रोबेशन अधिकारी से कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चों की लिस्ट मांगी है, लेकिन इस लिस्ट में शालिनी जैन की अनाथ बिटिया का नाम नहीं था। ड्यूटी पे गई थी, चुनाव ड्यूटी पे, वहाँ से आने के बाद वो संक्रमित हो गई और उसका मतलब पहले बुखार वगैरह हुआ, उसके सर में दर्द हुआ, फिर हमने उसे एडमिट करवाया 2 तारीख को वहाँ पर प्यारेलाल में। वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल इसका गिरता चला गया और 3 तारीख को उसकी डेथ हो गई। बस उसके परिवार को हेल्प मिले और क्या, उसकी बच्ची है 7 साल की, उसका भविष्य अच्छा बने। और कोरोना महामारी में आंकड़ों के बाजीगरों की बल्ले बल्ले है। शालिनी जैन की मौत के 27 दिनों में मेरठ के जिला प्रोबेशन अधिकारी शत्रुघ्न कन्नौजिया अपने ऑफिस से उनके घर तक की दूरी तय नहीं कर पाए, इसलिए शालिनी की बेटी का नाम अनाथ बच्चों के लिस्ट में शामिल नहीं हो पाया। कोरोना काल में अनाथ बच्चों का ब्यौरा जमीनी सर्वे से नहीं बल्कि एसी कमरे में बैठ करके तैयार किया जा रहा है, क्योंकि मेरठ के ही पावली खास के इस परिवार के 3 बच्चों का नाम अनाथ बच्चों की सरकारी लिस्ट में है, जबकि इन बच्चों के पिता की मौत 3 साल पहले और माँ की मौत 1.5 साल पहले हुई थी। 4 साल। और देवरानी को 1.5 साल। कोरोना की वजह से तो नहीं मरे वो दोनों? नहीं जी। जब कोरोना था जब देवर की डेथ हुई? नहीं जी। देवरानी? नहीं जी, जब भी नहीं था। तो कोरोना तो नहीं हुआ था बिना? नहीं नहीं। अब आपको अलग अलग जिलों के अनाथ बच्चों की सरकारी आंकड़े दिखाते हैं। मेरठ 62, गौतम बुद्ध नगर 40, बुलंदशहर 11, गाजियाबाद 75, बागपत 19, सहारनपुर 349, मुजफ्फरनगर 142, शामली 3। मेरठ और सहारनपुर मंडल में कुल अनाथ बच्चों की संख्या 748 बताई गई है। शामली के लिसाड़ गांव के इन बच्चों के माता पिता को भी कोरोना निकल गया, बच्चे अनाथ हो गए। कभी मामा तो कभी मौसी इन बच्चों की देखरेख के लिए आती रहती हैं। मेरे भाई और भाभी की मौत कोरोना से हुई है जी। भैया की पिछले साल, भाभी की पिछले 21 साल 1 महीना पहले। तीनों बच्चे अकेले रह गए। मैं रह रही इनके पास, मैं कभी इनके मामा जी आने का राशन सौगर खेती से आ रहा, घर से आ रहा, लेकिन इनकी पढ़ाई की दिक्कत है बहुत ज्यादा। इनकी पढ़ाई सरकार को माफ करनी जो चाहे, फीस माफ करनी चाहिए, इनकी थोड़ी हेल्प करनी चाहिए जिससे कि अगर वो कर सके कुछ। पहले कोरोना काल में लापरवाही, फिर इलाज में लापरवाही और अब अनाथ बच्चों के ब्यौरे में लापरवाही। क्या सरकारी सिस्टम लापरवाही का दूसरा नाम बन गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। लेकिन ये खेल भारत समाचार इन